दोस्तों, आज मैं आया हूं अपने खास मित्र सोडी मुत्था और सोडी सोवन के घर। जब भी मैं आता हूं तो यहां मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। कोई भी संगठन बुद्धिजीवियों की वजह से उन्नति नहीं करता। जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत ढेर सारा पैसा हो। जरूरत है तो एकजुट रहने की, जरूरत है तो एक नेतृत्व की जो सबको बांध के रखे, अपनापन महसूस कराए, और जरूरत है तो साधारण व्यक्ति की जो मिलजुल कर किसी भी वातावरण के अंदर खुश रह सके। आज जो मेरे प्रिय मित्र मुत्था ने सिखाया वो ये बात है कि कभी किसी से मांगना नहीं। मांगने का मतलब भीख मांगना नहीं है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो ऊपर वाले से हम कहते हैं कि हमें संतान की उत्पत्ति करा दो, थोड़ी सी लिफ्ट करा दो, थोड़ा सा धन दौलत दे दो, और ऊपर वाला दे भी देता है, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट नहीं है। एक बार की बात है, शुरू शुरुआत के अंदर जूते, चप्पल और सैंडल का प्रचलन शुरू हुआ था। उस जमाने में केवल राजा महाराजा लोग ही पहना करते थे। एक बार एक महारानी ने अपने लिए स्पेशल सैंडल का ऑर्डर दिया और वो सैंडल बन गई। महारानी ने उस सैंडल को विशेष किसी उत्सव के लिए बचा के रखा हुआ था। बगल के गांव से निमंत्रण आया और महारानी ने अपनी दासी को बोला कि जाओ वो सैंडल ले आओ। महारानी ने उसे पहना और जब दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लगी तो काफी समय हो गया था। बीच में एक जंगल था। महारानी ने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, तो सैनिकों को आदेश दिया कि ठहर जाओ, कुछ समय तुम भी आराम कर लो। जैसे ही पायदान सीढ़ी से महारानी उतरने लगी, इत्तफाकन जो सैंडल है वो घोड़े के चक्के के अंदर फंस गई और सैंडल टूट गई। इसको देख महारानी बहुत मायूस हुई और उसने कहा कि सैनिकों चलो वापस चलो, महल की ओर लौटते हैं। दासियों ने और सैनिकों ने महारानी को उदास देखकर कहा कि महारानी हमें कुछ समय दीजिए, पास में ही एक बस्ती है, हो ना हो कोई ना कोई मोची जरूर होगा। तो दोस्तों, ढूंढने से भगवान मिल जाता है। उस बस्ती में एक मोची मिला। रथ को लेकर मोची के घर गए। मोची ने रथ को देखते ही बहुत खुश हुआ और सोचा कि देखो इतनी बड़ी महारानी मेरे घर आई है। सैंडल को देखते ही मोची ने कहा कि हाँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सैंडल को ठीक करते समय मोची के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि आज मैं महारानी से मुंह मांगी, कीमत मांगूंगा और पता नहीं क्या क्या। जैसे ही सैंडल ठीक हुई, मोची ने अपने हाथों से महारानी को सैंडल पहनाया और कहा महारानी ये सैंडल ठीक हो गई। महारानी प्रसन्न थी और महारानी ने कहा बोलो क्या मांगते हो। आपको विश्वास नहीं होगा, मोची ने 5,000 रुपये मांगे और महारानी ने उसे खुशी खुशी 5,000 रुपये दिए। जब वो महल की ओर लौटी तब उसने अपनी दासियों के साथ इस बात की चर्चा की कि देखो आज अगर वो मोची कुछ भी मांगता तो मैं उसे दे देती। हमारी जो मांग है वो हमारी सोच से संबंधित है। महारानी ने कहा कि मैं उसे बिन मांगे अपने हीरों का हार देने वाली थी, लेकिन मोची ने महज 5,000 रुपये मांगे। ठीक उसी प्रकार जब भी आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे कहीं पे भी जाएं, आप निस्वार्थ भावना से प्रार्थना करके देखिए। बिन मांगे आपको ईश्वर, भगवान, वाहेगुरु इतना कुछ दे देगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जय हिंद।